विद्यार्थियों, आज हम कक्षा षष्ठी में तत् शब्द रूप का अध्ययन करेंगे। विद्यार्थियों, तत् शब्द रूप भी तीनों लिंगों में चलता है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। तत् शब्द का अर्थ होता है वह। अब इसमें भी हम विभक्तियाँ एक प्रथमा से लेकर सप्तमी तक अध्ययन करेंगे। वचनों में एकवचनम, द्विवचनम और बहुवचनम में इस रूप को देखेंगे। देखते हैं पुल्लिंग में तत् किस प्रकार चलता है। स, तौ, ते, तम, तौ, तान, तेन, ताभ्याम, तई। चतुर्थी विभक्ति में तस्मै, ताभ्याम, तेभ्य। पंचमी में तस्मात्, ताभ्याम, तेभ्य। षष्ठी में पढ़ते हैं तस्य, तयोः, तेषां। सप्तमी में आता है तस्मिन्, तयोः, तेषु। इस प्रकार से तत् शब्द रूप जिसका अर्थ वह है पुल्लिंग शब्द में हमने पढ़ा। अभी हम इसका अध्ययन करेंगे स्त्रीलिंग शब्द में। अर्थ तो वही रहेगा, सेम। एकवचन, द्विवचन, बहुवचन ये भी सेम रहेंगे। पढ़ना है रूप स्त्रीलिंग में तत्। सा, ते, ताः, ताम, ते, ताः। तृतीय विभक्ति तया, ताभ्याम, ताभि। चतुर्थी में तस्यै, ताभ्याम, ताभ्य। इस प्रकार से पंचमी विभक्ति देखिए तस्याः, ताभ्याम, ताभ्य, तस्याः, तयो, तासाम। सप्तमी में है तस्याम, तयोः, तासु। इस प्रकार से हमने तत् शब्द रूप को पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों में पढ़ा। अब हम देखते हैं तत् शब्द रूप नपुंसकलिंग में। अर्थ सेम वह रहेगा। अब देखते हैं तो नपुंसकलिंग के जितने भी ये सर्वनाम शब्द रूप है, एतत है, चाहे तत् है, चाहे किम है, इन सब की एक विशेषता है कि ये सभी के सभी प्रथमा और द्वितीय दोनों विभक्तियों में एक जैसे रहते हैं। जैसे देखो तत्, ते, तानी, तत्, ते, तानी, ये दो लाइन अगर आप याद करते हो तो एक लाइन याद की, दोनों सेम हो गई, ठीक है। और आगे के ये नपुंसकलिंग शब्द रूप जो होते हैं ना, सर्वनाम शब्द रूपों में एतत्, तत्, किम, ये सर्वनाम शब्द है और ये नपुंसकलिंग में हमेशा तृतीय विभक्ति से लेकर सप्तमी विभक्ति तक पुल्लिंगवत चलते हैं, पुल्लिंग की तरह चलते हैं। तो तृतीय में देखिए तेन, ताभ्याम, तई। चतुर्थी में तस्मै, ताभ्याम, तेभ्य। पंचमी में तस्मात्, ताभ्याम, तेभ्य। षष्ठी में तस्य, तयोः, तेषां। सप्तमी में तस्मिन्, तयोः, तेषु। इस प्रकार से पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग में तत् शब्द रूप जिसका अर्थ है वह, इसका आज हमने अध्ययन किया। धन्यवाद।